भारत सरकार क्रूड बेचने के लिए ईरान द्वारा की गई नई इंसेंटिव पेशकश को चेंज करने के मूड में है। इस क्रम में सरकारी रिफाइनरियों ने वित्त वर्ष 2018-2019 में ईरान से ऑयल इंपोर्ट दो गुना करने की योजना बनाई है। वहीं ईरान ने तीसरे बड़े ऑयल इंपोर्ट देश में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ये ऑफर दिया है। ईरान एशिया में अपने ऑयल एक्सपोर्ट को बनाए रखने के लिए सऊदी अरब जैसे अन्य अरब देशों की तुलना में आकर्षक शर्तों की पेशकश कर रहा है। ईरान ने हाल ही में ज्यादा खरीद पर भारतीय कंपनी को फ्रेट पर डिस्काउंट ऑफर दिया था। भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि वह चीन के बाद ईरान का दूसरा बड़ा क्लाइंट है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस डिप्लोमेट की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि सरकारी रिफाइनरीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अप्रैल 2018 से शुरू हुए वित्त वर्ष के दौरान ईरान से 3.96 लाख बैरल प्रतिदिन बीपीडी ऑयल के इंपोर्ट की योजना बनाई है। हालांकि इस मसले पर इंडियन ऑयल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इन चारों रिफाइनरिंग कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष में ईरान से लगभग 2.05 लाख बीपीडी ऑयल का इंपोर्ट किया था। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ईरान भारत के लिए दूसरा बड़ा ऑयल सप्लायर देश था, जिसके बाद 2016-2017 में वह सऊदी अरब और इराक के बाद तीसरे पायदान पर आ गया था। हालांकि अब प्रतिबंध हटने के बाद ईरान धीरे धीरे भारत में अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। 2017-2018 के आधिकारिक आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के बीच ईरान के लिए भारत तीसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर रहा। वहीं इराक सऊदी अरब को पछाड़कर भारत के लिए सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।